हम लोग के पास एक पिक्चर है, देख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग के पास दूसरा बैकग्राउंड है जो कि देखने पे डार्क जैसा लग रहा है, ये बैकग्राउंड है। आज इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि बैकग्राउंड को मैच कैसे करें। और यहाँ पे देख सकते हैं बैकग्राउंड ऑलरेडी मैंने रिमूव करके रखा है लेडीज का, तो आपको पता नहीं है तो प्लीज़ आई बटन में एक वीडियो आ रहा होगा वहाँ पे क्लिक कर लीजिए। तो देख सकते हैं पिक्चर को ड्रैग एंड डाउन कर लेते हैं, इसको कन्वर्ट ऑब्जेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद इसका क्वालिटी बरकरार रहेगा। तो उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं व्हाट एवर यू वांट, जस्ट लाइक कि फील लगना चाहिए कि वो बैठा हुआ है। लास्ट में हम लोग एंड करने का टाइम पे इसका इफेक्ट डालेंगे, मतलब लाइक कि शैडो है, रियलिस्टिक लगाने के लिए हम लोग कुछ डालेंगे। नेक्स्ट स्टेप है, हम लोग जाने वाले हैं इसको इंटरप्रेस कर देते हैं। तो उसके बाद वीडियो को क्लिक करते हुए हम लोग इसमें आपको ब्राइटनेस डालना है तो डाल सकते हैं। मेन पॉइंट इसमें कॉप्स में जाने वाले हैं हम लोग, कॉप्स और ह्यू सेचुरेशन में भी, अगर यूज करना आता है तो ह्यू सेचुरेशन। हम लोग एक और सॉलिड एडजस्टमेंट कलर लेंगे जिसका वैल्यू रहेगा 0 रहेगा, जो कि वो बैकग्राउंड को थोड़ा रियलिस्टिक लगाएगा। इसमें 0 वैल्यू 0 रहना है, आप व्हाइट या फिर ग्रे और ब्लैक यूज करना है आपको 0 वैल्यू में। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 0 डाल दिया है, तो एज अ सिंपली लेफ्ट कॉर्नर पे ही रहेगा। तो उसको हम लोग कलर चूज करना है, 0 में ही यूज करना है आपको। देख सकते हैं यहाँ पे यूज कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर लेके जाइए लेयर को और इसको ब्लाइंडिंग ऑप्शन चेंज करिए। मैं पिन पे रख रहा हूँ, शायद पिन और मल्टीप्लाई में ही बेटर रहेगा, क्योंकि कलर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें वैल्यू बहुत अच्छा आता है। तो एज अ सिंपली मैथमेटिक टिक्स है इसमें। तो उसके बाद जाते हैं नेक्स्ट स्टेप, हम लोग कॉप्स में जाते हैं या फिर ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं थोड़ा सा। मैचिंग तो हो रहा है फिर भी इतना में काफ़ी नहीं रहता है। तो सिंपली हम लोग जाएंगे यहाँ पे फर्स्ट ब्राइटनेस कॉप्स में जाते हैं, बाद इसको मेक श्योर क्लिपिंग मार्क्स होना चाहिए यहाँ पे दिस बटन, और यहाँ विंडो में जाके भी आप सर्च कर सकते हैं अगर नहीं मिल रहा है तो। उसके बाद ये मेक श्योर एक क्लिपिंग होना चाहिए और आपको सैंपल लेना है जस्ट कि फ्लोर का या फिर हाइलाइटेड एरिया लेना है। यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये दिस इज द मेन पॉइंट, आपको स्टेप बाई स्टेप फॉलो करना है यहाँ पे। देख सकते हैं यहाँ पे मैं कॉप्स एडजस्ट कर रहा हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा डार्क ले रहे हैं और इसमें थोड़ा ब्राइट अपर ब्राइट ले रहे हैं। देख सकते हैं पिक्चर अभी लुक लाइक थोड़ा बेटर लग रहा है, जो कि बैकग्राउंड से डार्केस्ट लग रहा है। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, हम लोग थोड़ा सा एक सैंपल भी लेंगे, क्योंकि अगर इतना ही होगा तो इतना में अच्छा नहीं दिखेगा, दिख रहा है बट हम लोग को अच्छा दिख रहा है लेकिन दूसरों को नहीं दिखेगा। तो इसमें सिंपली थोड़ा सा देख सकते हैं हाईलाइट डाल दिया। तो नेक्स्ट जाना है आरजीबी या फिर कोई भी ले सकते हैं ब्लू। इसके बाद सैंपल लेना है, फ्लोर का सैंपल लेना है आपको या फिर स्किन का भी ले सकते हो। देख सकते हैं अभी बैकग्राउंड के साथ मैच हुआ है, क्योंकि हाईलाइटेड होता है तो उसमें रिफ्लेक्शन जाता है, तो अगर सैंपल लोगे तो उसका हाईलाइटेड एरिया और कलर मैचिंग हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैच कर रहा हूँ मैं थोड़ा सा, देख सकते हैं यहाँ पे सिंपली मैच करना है आपको, कॉप्स मैच करना है आपको। अगर कॉप्स मैचिंग करना नहीं आता है तो सिंपली मैं एक और वीडियो बना देता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे आफ्टर और विफर, देख सकते हैं आफ्टर और विफर में, जैसे कि हाइड कर रहा हूँ तो लेयर्स को और ह्यू एंड सैचुरेशन को, सॉरी वो कॉप्स को। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक लेयर डिलीट कर दिया है जो कि वो ब्राइट का था शायद। देख सकते हैं यहाँ पे, देख सकते हैं पहले और आफ्टर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।